हल्द्वानी के तराई केंद्र वन विभाग के टांडा रेंज में रविवार सुबह लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हुई फायरिंग में एक तस्कर को गोली लग गई, जबकि वन कर्मी बाल बाल बच गए। गंभीर हालत में तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन क्षेत्र अधिकारी टांडा रेंज रूप नारायण गौतम ने बताया कि घटना आज रविवार सुबह की है। वन विभाग को लालकुआं क्षेत्र में कीमती लकड़ियों की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की एसओजी और नियमित टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्करों की घेराबंदी की। इस पर लकड़ी तस्करों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में वन विभाग की टीम की ओर से भी फायरिंग की गई। इसमें एक कुख्यात तस्कर लखविंदर सिंह लक्कू को गोली लगी है। इसके अलावा मौके से दो अन्य तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग की टीम ने वहां से पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ियां, अवैध हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। फिलहाल वन विभाग ने सभी तस्करों के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, आज सुबह 3:30 बजे घटना आ गई। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआं के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें दो गिल्टे सागौन के बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 3 से 15 बोर का तमंचा जिसमें एक कारतूस चला हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो आगे कार्रवाई की जा रही है। ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिसको लेके ये तहरीर लेके आए हैं। इस पर हम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।